नैथानी रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 12 बजे की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ेंगी, गायत्री शर्मा मेरे साथ होंगी, मीनाक्षी रजत मेरे साथ होंगी। लेकिन पहले इस वक्त जो बड़ी खबर है और जो बड़ा बयान है उससे हम इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और वो है आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान। उन्होंने बीजेपी और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको लेकर साधा है। राम को पूजने वाली पार्टी अहंकारी हो गई है, ये इंद्रेश कुमार ने कहा। लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी तो बनी लेकिन बहुमत नहीं मिला। अहंकार की वजह से भगवान राम ने पूर्ण बहुमत से रोक दिया। राम विरोधियों में किसी को सत्ता नहीं मिली, सारे राम विरोधी दल मिलकर भी दूसरे नंबर पर ही रहे। राम के धक्के के पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। अब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार का कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक नहीं बने, नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो मेरे अहंकार करे और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़। तो आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बयान दिया और कहा कि राम को पूजने वाली पार्टी अहंकारी हो गई है और वही जो राम को नहीं मानते थे वो हार गए हैं। अब इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। स्वयं सेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर दो के नेता बोल रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, सकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार, बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को, तब तो आप खामोश है, भागीदार रहे उनके गुनाह में। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। प्रमोद तिवारी के साथ साथ संजय राउत ने भी इंद्रेश कुमार के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि लोक सेवक को अहंकारी नहीं होना चाहिए। आइए सुनवाते हैं आपको संजय राउत ने क्या कहा। देवाचा न्याय काय असतो, आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो, जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज़्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहाँ बीजेपी हार गई है, डरा धमका कर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है, वो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है, मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हरे, आप रामेश्वरम में हरे, आप रामटेक में हरे, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है, वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा।